हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होती है? बेसिकली डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन होती है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको पहले ये देखते हैं। कंसिडर द फ्लो ऑफ हीट, यानी कि हमारे पास इस तरह का एक कोई रॉड है, रॉड या कुछ किसी तरह का कुछ भी पार्टिकल हो सकता है, उसमें हीट फ्लो हो रहा है हमारे पास। कंसीडर द फ्लो ऑफ हीट कंडक्ट्स इन द यूनिफॉर्म बार। इट इज एज्यूम दैट द साइड ऑफ द बार आर इंसल्टेड एंड द लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन रिडक्शन इज नेगलेबल। यानी कि हमारे पास यहाँ पे कि हमने ये एज्यूम किया है कि जो उसकी साइड है यानी वो सेम है, इस तरह से एक रॉड है या फिर हमारे पास एक प्रिज्म फॉर्म में है, तो वो हमने एज्यूम किया है। और साथ में ही हमने एज्यूम किया है कि जो हीट का यहाँ पे हमारे पास लॉस ऑफ हीट यानी एक यहाँ से और यहाँ जाने में जो लॉस का हीट का लॉस जो है वो नेगलेबल है, यानी बाहरी कामों में हीट जो है वो लॉस नहीं हो रही है, सिर्फ इस तरह से जा रही है यहाँ पे। टेक वन एंड ऑफ द बार एज ओरिजन, यानी सपोज कि हमने जो बार है उसका एक पॉइंट यानी कि ये हमने सपोज ओरिजन ले लिया, जैसे यहाँ पे हमने ए को ओरिजिन ले रखा है। एंड द डायरेक्शन ऑफ हाउ एज अ पॉजिटिव एक्सिस, जो हीट है सॉरी डायरेक्शन ऑफ हीट जो है वो पॉजिटिव एक्सिस पे ले ली हमने। द पैरामीटर यू एट एनी पॉइंट ऑफ द बार डिपेंड ऑन द डिस्टेंस एक्स, यानी कि जो पैरामीटर्स हीट के जो पैरामीटर्स होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, जो कि डिस्टेंस है, जीरो यानी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एंड एंड द टाइम टी और टाइम पर कि किस टाइम पर हम टेम्परेचर देख रहे हैं। ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन इज द सेम। तो यानी कि इसमें हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन में हर पॉइंट पे अगर बात करें तो उस पर जो टेम्परेचर है वो सेम है, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे इसमें सपोज कि ये हमारे पास एक सेक्शन है इसमें टेम्परेचर कुछ यहाँ पे कुछ और है यहाँ पे कुछ और है, नहीं वो सेक्शन से वो टेम्परेचर सेम माना है। ये हमारे पास हीट फ्लो इक्वेशन निकालने से पहले कुछ एज्यूम्स होती हैं। अब द अमाउंट ऑफ हीट क्रॉसिंग एनी सेक्शन ऑफ द बार पर सेकेंड डिपेंड ऑन द एरिया, जो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एक सेक्शन से यानी सपोज क्यू वन सेक्शन से क्यू टू सेक्शन में जाएगी वो किस पर डिपेंड करता है, उस सेक्शन का एरिया, एरिया सपोज ए ले लिया हमने ऑफ द क्रॉस सेक्शन। द कंडक्टिविटी के, जो कंडक्टिविटी के ऑफ द मटेरियल ऑफ द बार, जो बार का यानी जो हमारे पास रोड है सपोज रोड का हमारे पास कंडक्टिविटी क्या है उस पर। एंड द टेम्परेचर ग्रेडियंट, और जो है टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेल यू अपॉन डेल टी, यानी जो अगर यू हमारे पास टेम्परेचर को डिपेंड करता है तो वो डेल यू अपॉन डेल एक्स पे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस नॉर्मल टू द एरिया, जो इसको हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस नॉर्मल टू एरिया को हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स से डिनोट कर दिया यहाँ पे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्यू वन जो है बेसिकली फर्स्ट इस पार्ट में इस हमारे पास सेक्शन में क्यू वन द क्वालिटी ऑफ हीट इन टू द सेक्शन ए एंड डिस्टेंस एक्स पे, जो हीट की क्वालिटी क्या होगी, बेसिकली हीट की क्वालिटी क्या होगी यहाँ पे अगर क्यू वन में बात करें तो यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस और मेटल की कंडक्टिविटी यानी कि के का मल्टीप्लाई और हमारे पास और रेट ऑफ चेंज जो टेम्परेचर है विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मलाइज एरिया के, विद रेस्पेक्ट टू चेंज जो नॉर्मल एरिया है उस पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास द क्वालिटी ऑफ हीट इन टू द सेक्शन डिस्टेंस एट डिस्टेंस एक्स पे माइनस के ए डेल यू अपॉन डेल एक्स, जहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स जो है वो एक्स पर सेकेंड, और नेगेटिव साइन यहाँ पे मैं लिया है क्योंकि नेगेटिव साइन शो कर रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, तो हमारे पास जो डिस्टेंस बढ़ेगी तो उस कंडीशन में हमारे पास एक्स इंक्रीज होगा बट यू जो है जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं क्यू टू यानी सेकेंड सेक्शन, जो कि सिर्फ इससे एक्स प्लस डेल एक्स यानी ओरिजिन से एक्स प्लस डेल एक्स डिस्टेंस पर है। तो ये हो गए हमारे पास क्यू टू पे, हमारे पास अगर बात करते हैं हम तो ये हमारे पास आ जाएगा द क्वालिटी ऑफ हीट फ्लोइंग आउट द सेक्शन जो है वो है माइनस के ए डेल यू अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस डेल एक्स पर सेकेंड। हेंस द अमाउंट ऑफ हीट रिटेंड बाई द स्लैब विद
थिकनेस डेल एक्स, अगर सपोज कि उसकी थिकनेस यानी कि एक हम यहाँ पे पार्टीशन बना रहे थे रोड के अंदर, एक पार्टीशन बना रहे थे उसकी अगर थिकनेस जो है सपोज यहाँ से ये थिकनेस दोनों के बीच में जो थिकनेस है वो डेल एक्स है, तब हमारे पास यहाँ पे हीट फ्लो जो अमाउंट ऑफ हीट रिडक्शन है वो है हमारे पास क्यू वन माइनस क्यू टू, यानी क्यू वन से क्यू टू जाने में हमारे पास हीट जो है वो कितनी रिडक्ट हुई। तो ये बेसिकली इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास के ए डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स, सॉरी हीट रिडक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ तो यहाँ से यहाँ माइनस, बट ये माइनस का साइन है ये माइनस का साइन है, तो इसलिए हमारे पास जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव टर्म हमने आगे लिख ली, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये हमारे पास इतना जो है हीट जो है वो रिडक्ट हुई क्यू वन से क्यू टू जाने में पर सेकेंड। बट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट इन द स्लैब, रेट ऑफ इंक्रीज है अगर हीट अगर जैसे इंक्रीज कर रहे हैं स्लैब में तो वो क्या है हमारे पास बेसिकली एस पी ए डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि हमारे पास यहाँ पे वेयर एज इज द स्पेसिफिक हीट एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, एस जो है वो हीट उसको जो दी जा रही है और रो जो है वो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू, यानी ये जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए, तो डेल डेल सॉरी इसको हम डेल रू रू भी दे सकते हैं आपकी मर्जी है, एस मैंने एस दिया तो एस डेल ए ए सॉरी एस पी ए डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ये टर्म हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब अगर डेल एक्स टेंस टू जीरो करें, डेल एक्स टेंस टू जीरो करें तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स का सेकेंड डेरेवेटिव की टर्म है। अगर लिमिट टेंस टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो करें तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसको हम सेकंड डेरिवेटिव लिख सकते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो तो ये हो गया एस पी इक्वल टू एस पी डॉट डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू के जो है कॉन्स्टेंट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू के एस पी, इसके नीचे ले लिया हमने डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसको एक अलग से कॉन्स्टेंट दे दिया हमने, इसको कॉन्स्टेंट सपोज सी स्क्वायर दे दिया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये जो होता है फ्रेंड्स हमारे पास ये कहलाती है डिफ्यूजिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, तो इस तरह से हम किसी भी रॉड में वन डायमेंशनल हीट इक्वेशंस को इस तरह से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम पहले तो हम सॉल्व करेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, और उसके बाद देखेंगे हम इससे कुछ एग्जांपल। थैंक यू फ्रेंड्स।